जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडली स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा वो होने वाला है CISF पर। आप में से कई बच्चों का सपना होगा CISF ज्वाइन करने का और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा CISF में। CISF को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे अलग अलग धारणाएं, कुछ बोलते हैं सबसे आसान नौकरी है, कुछ ये बोलते हैं सबसे हार्ड नौकरी है, कुछ ये बोलते हैं कि इस ड्यूटी में इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए ड्यूटी बहुत अच्छी बताई जाती है। तो क्या क्या इसकी ड्यूटी है, लड़का और लड़कियां दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं पूरा क्लियर करूंगा CISF की सैलरी कैसी है, इसमें कौन कौन सी कमांडो फोर्स है, इसमें आप प्रमोशन आगे कैसे होता है, डिपार्टमेंटली आप एग्जाम कैसे दे सकते हैं, आप कॉन्स्टेबल से सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, ASI कब बन सकते हैं, पूरी चीजें, इसकी सैलरी कितनी है, कहां पर इसकी ड्यूटी लगती है, किस प्रकार के काम CISF में होते हैं। ठीक है लाडलो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा है तो शेयर करना ना भूले भाई। सबसे पहले CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो औद्योगिक सेक्टर है देश का उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है CISF। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सबसे पहले अगर हम बात करें लाडलो, तो अगर आप इसमें SSC GD के माध्यम से अगर आप एज ए कॉन्स्टेबल जाते हैं तो किस प्रकार की ड्यूटी होती है, तो सबसे पहले हम सैलरी पे बात कर लें। इसकी जो सैलरी होती है बाकी फोर्स की जैसे आपके 21,700 से स्टार्ट होती है, DA+TA ये ट्रेनिंग के बाद में ये भी मिल जाएगा, HR आपको ट्रेनिंग मिल जाता है। ठीक है, और भी जो आपके अलाउंस है वो भी इसमें मिलते हैं, जिस जहां पर आपकी ड्यूटी होती है उसी हिसाब से आपके रिस्क अलाउंस होते हैं। ठीक है, CISF ड्यूटी क्या क्या करती है, देखिए एक तो जैसे औद्योगिक से आप समझ गए कि देखिए जितने भी बड़े जो कारखाने जैसे राउरकेला हो गया या जो भी बड़े कारखाने हैं सरकार के, उनकी सबकी सुरक्षा प्रदान करने का कौन काम करती है, CISF। इसके अलावा जितने भी आप एयरपोर्ट देखोगे, जितने भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की सुरक्षा कौन देखता है, हाँ किसी बच्चे ने कल मेरे को बोला था सर CISF कश्मीर में थोड़ी ना ड्यूटी करती है, कश्मीर में भी CISF ड्यूटी करती है, लेकिन कहां पर, एयरपोर्ट में, जो हमामा में एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा भी कौन देखती है, CISF देखती है, उसके बॉर्डर पर लगती है BSF और अंदर का सारा काम देखती है CISF। यानी देश में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उन सबकी सुरक्षा अंदर से देखने का काम कौन करती है, CISF, भले ही वो कश्मीर में हो, भले क्यों ना लद्दाख में हो, कहीं पे भी हो, उसका जो आंतरिक सुरक्षा का काम है वो कौन करती है, CISF करती है लाडलो। ठीक है, एयरपोर्ट की सुरक्षा, इसके अलावा आपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा जो भी मेट्रो है उन सब की सिक्योरिटी भी कौन करती है, CISF करती है। ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, औद्योगिक जो संस्था है उनकी सिक्योरिटी कौन देखता है, CISF देखता है। इलेक्शन ड्यूटी भी CISF की लगती है, ध्यान रखना इलेक्शन जो ड्यूटी है वो भी CISF की लगती है, और अमरनाथ यात्रा हो गई, इस प्रकार की जो यात्राएं होती है उनमें भी CISF जाती है। ये इसकी ड्यूटी के कुछ मोटे मोटे प्रकार हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ड्यूटी कैसी होती है, कैसी का मतलब कि सर इसकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, बहुत आसान होती है, कैसी इसकी ड्यूटी, तो मैं आपको बता दूं ड्यूटी के बारे में कि CISF की जो ड्यूटी होती है, जैसे एयरपोर्ट एरिया में आपने देखा होगा वहां पर दो टाइप से ड्यूटी होती है, एक 4 घंटा ड्यूटी, फिर 6 घंटा रेस्ट, फिर 4 घंटा ड्यूटी और फिर 6 घंटा रेस्ट, इस प्रकार से, या एक लगातार 8 घंटे ड्यूटी फिर रेस्ट। ठीक है, इसकी जो ड्यूटी होती है वहां पर बिल्कुल रिस्क कम होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, रिस्क वाइज बहुत कम। लड़कियों के लिए सबसे सेफ अगर कोई मानी गई नौकरी वो है CISF। उसके पीछे रीजन क्या है, CISF जहां पर ड्यूटी करती है, देखिए या तो आप औद्योगिक एरिया देख लीजिए या मेट्रो देख लीजिए, एयरपोर्ट कहां पर होंगे, ये किसी बड़ी मेगा सिटी में ही होंगे, तो वहां पर आपको फैमिली रखने की अच्छी सुविधा मिल जाती है। CISF में सबसे बड़ा फायदा है फैमिली रखने की सुविधा, भाई आप नौकरी के साथ साथ अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी सुविधा है, स्पेशली लड़कियों के लिए ज्यादा दिक्कत आती है जब इसमें छुट्टियां कम है। ठीक है, इसमें छुट्टी बाकी फोर्सेस की बजाय कम है, तो यहां पर क्या होता है CISF में आपको फैमिली रखने की सुविधा अच्छी मिल जाती है। कई बार आप पूरी छुट्टी काट ही नहीं पाते हैं क्योंकि ड्यूटी इतनी ज्यादा होती है, लेकिन आपको फैमिली रखने की जो सुविधा है वो अच्छी मिल जाती है, समझ गई बात को, इस वजह से लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट। रिस्क बहुत कम है, रिस्क क्यों कम है, क्योंकि एयरपोर्ट एरिया हो गया या मान के चलिए औद्योगिक क्षेत्र या मेट्रो, यहाँ अटैक होते हैं, जैसे BSF पाकिस्तान के फौजियों का मुकाबला करती है, CRPF नक्सलवादियों से लड़ती रहती है या CRPF
कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ती है, तो वो काम सीआईएसएफ को नहीं करना, तो इसलिए रिस्क बहुत कम है। ठीक है, सैलरी, सैलरी बिल्कुल बराबर है, जितनी उन फोर्स को मिलती है उतनी सीआईएसएफ के जवानों को मिलती है। हाँ, रिस्क अलाउंस का थोड़ा सा फर्क रहता है। ठीक है, इस ड्यूटी के साथ में आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपका सिलेक्शन सीआईएसएफ में होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप आराम से 8 घंटे की ड्यूटी बजा के बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप जितना सोचते हो उतनी आसान भी नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हो कि तो बिल्कुल ही आसान होती है नौकरी, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीआईएसएफ की अधिकतर जो ड्यूटी होती है, जैसे मेट्रो, वहां कैमरे लगे रहते हैं, या एयरपोर्ट, तो वहां पर भी कैमरे लगे रहते हैं। तो एक कैमरे के नजर में हर टाइम अपने आप को पूरा डिसिप्लिन के साथ में रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान नौकरी है, नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप बेल्ट की नौकरी कोई भी करते हैं तो वो बहुत आसान सब, तो आप इसका भूल ही जाना कि बहुत आसान होगी। नहीं, बहुत आसान तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। और बेल्ट की नौकरी आपको पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, कैमरे की नजर में दुनिया आपको देखती है, पूरा मतलब बिल्कुल चकाचक रहना पड़ता है आपको। वही आप जैसे कोबरा कमांडो है, कैसे दाढ़ी बचाओ, जैसे आप कश्मीर में कैसे दाढ़ी रखो, कैसे मूछे रखो, उस प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि आप रिस्क वाले एरिया में, जंगल में। मेरे आपने कई फोटो देखी होगी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मेरी दाढ़ी है, बियर्ड है, बाल बढ़ा रखे हैं। उस प्रकार का मौका स्पेशल फोर्स में मिलता है, जैसे कोबरा जैसी कमांडो फोर्सेज में, क्योंकि आप जंगलों में करते हैं तो जंगल के अपराध हो जाते हैं फिर उधर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलती, इस वजह से ये ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड भी है। लेकिन प्रमोशन कैसे होता है, देखिए बाकी फोर्स की जैसे सीआईएसएफ में प्रमोशन होता है, कम से कम सिपाही से अगर आप हेड कांस्टेबल में जाते हैं तो लगभग 17-18 साल का समय इसमें भी लग जाता है। यदि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम का मौका आपको 5 साल बाद में मिल जाएगा, 5 साल बाद में इसमें डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं जो एएसआई और एसआई के होते हैं। एसआई और एएसआई आप सीआईएसएफ में सीपीओ के थ्रू भी जा सकते हैं और डिपार्टमेंटली एग्जाम देके भी जा सकते हैं। ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो कि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम से भी जा सकते हैं और बाहर से सीपीओ के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन आपको चाहिए, लाड़ दो। अब सैलरी हो गई, कौन कौन से कमांडो बन सकते हैं। एक सीआईएसएफ की स्पेशल फोर्स है निंजा, ज्यादा फेमस नहीं है, निंजा कमांडो। ठीक है, बहुत वीआईपी प्रोटेक्शन ज्यादा ये देखते हैं, वीआईपी प्रोटेक्शन ज्यादा देखते हैं और ये ज्यादा फेमस कमांडो नहीं है निंजा कमांडो, क्योंकि सीआईएसएफ का ज्यादा हार्ड काम नहीं होता इसलिए ज्यादा फेमस नहीं है। जैसे कोबरा, क्योंकि कोबरा आए दिन नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ होती है तो आप आए दिन न्यूज में उसके बारे में कुछ ना कुछ सुनते हो, वो सीआरपीएफ की बड़ी फोर्स है। तो उसी प्रकार इसकी जो स्पेशल कमांडो फोर्स है उसका नाम है निंजा। इसके अलावा आप इसके माध्यम से एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं और भी जो एडिशनल कई ड्यूटी है उनमें भी आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, जैसे एनडीआरएफ में जा सकते हैं, नेशनल डिजास्टर फोर्स में उसमें जा सकते हैं। इन सभी फोर्स में आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, यह आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा सीआईएसएफ के बारे में आपको क्या जानकारी चाहिए, ड्यूटी की मैंने बता दी। इस प्रकार की ड्यूटी ज्यादा हार्ड नहीं होती, थोड़ी आसान ड्यूटी होती है, रिस्क वाली बहुत कम होती है, लड़कियों के लिए बहुत उचित है क्योंकि फैमिली रखने की सुविधा सब जगह है। ठीक है, और एनपीएस की सुविधा है, न्यू पेंशन सिस्टम की, वो सुविधा इसमें मिलती है। सैलरी बराबर ही होती है, जो फर्क होता है वो रिस्क अलाउंस का फर्क होता है, इसके अलावा कोई नहीं। लड़कियों के लिए बिल्कुल बेस्ट जॉब है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है, सीआईएसएफ बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि इसमें फैमिली रखने की आपको सुविधा बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके सीआईएसएफ में से रिलेटेड और भी कोई मन में कोई संदेह है, मेरे को बताइए, मैं जल्दी ही आपकी क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है लाड़ लो, जय हिंद जय भारत।